इस वीडियो पे हम बात करेंगे कहात हनुमान जय सियाराम में लॉर्ड हनुमान का रोल निभाने वाले एकाग्र द्विवेदी के बारे पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एकाग्र द्विवेदी के बारे पे। आपको बता दें, इन दिनों टीवी सीरियल में छोटे कलाकार खासा पसंद किए जा रहे हैं और बहुत ही जल्द जिले का भी एक कलाकार छोटे पर्दे पर अपना जौहर दिखाते हुए नजर आएगा। धार्मिक सीरियल में मुख्य भूमिका निभाने वाले छोटे कलाकारों के डायलॉग्स और उनकी मासूमियत आवाज दर्शकों को ज्यादा लुभा रही है। कुछ ऐसी ही मासूमियत के साथ डायलॉग डिलीवरी करने वाले हमीरपुर के एकाग्र द्विवेदी भी एन टीवी पर आने वाले सीरियल कहात हनुमान जय सियाराम में छोटे बजरंगबली के रूप में नजर आएंगे, जैसा कि आप इनकी तस्वीर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इससे पहले स्कूटी के विज्ञापन पे अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए थे। हमीरपुर के विकास खंड कुरारा के झोलाखर गांव के मूल निवासी 5 वर्षीय एकाग्र द्विवेदी ने परिवार और रिश्तेदारों का मान बढ़ाने के लिए जिले का नाम रोशन किया है। व्यापारी राहुल द्विवेदी के पुत्र एकाग्र द्विवेदी पहले भी कई ऑडिशन दे चुके हैं। वह जुपिटर स्कूटी के विज्ञापन में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी नजर आए हैं। अब एकाग्र 7 जनवरी से NTV पर शुरू होने वाले कहात हनुमान जय सियाराम धारावाहिक में मुख्य पात्र में छोटे बजरंगबली की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, एकाग्र द्विवेदी का लखनऊ में चयन के बाद मुंबई में ऑडिशन हुआ था। एकाग्र के पिता राहुल ने बताया कि बेटा एकाग्र शुरू से मॉडलिंग का शौकीन रहा है, इसके चलते उसे कई ऑडिशन में भेजा गया। लखनऊ में होने वाले कार्यक्रमों में भी वह प्रतिभागी रहा है। NTV के सीरियल के लिए एकाग्र का सबसे पहले लखनऊ में चयन हुआ, इसके बाद उसे मुंबई बुलाया गया। वहां पर करीब 200 से अधिक बच्चे ऑडिशन के बाद इसका चयन हुआ। आपको बता दें, राम प्रसाद की 13वीं फिल्म में भी दिखे थे एकाग्र द्विवेदी। एकाग्र आज प्रमुख सीरियल के मुख्य पात्र बनकर उभरे हैं, तो बहुत ही जल्द फिल्मों भी नजर आएंगे। नवंबर 2020 में रिलीज होने वाली राम प्रसाद की 13वीं फिल्म में भी नन्हे नटखट एकाग्र सभी को नजर आएंगे। इस फिल्म के पोस्टर में एकाग्र भी नजर आ रहे हैं, जो अपनी कॉमेडी से लोटपोट करेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।